साहब छुट्टी पर हैं, स्थानीय प्रसारण बंद रहेगा। जय हिंद। एक अधिकारी के छुट्टी से लौटने तक बैतूल आकाशवाणी में स्थानीय प्रसारण नहीं होगा। क्या यह सरकार की असफलता का नमूना है या प्रसार भारती की स्वायत्तता की चरम सीमा? मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है बैतूल जिला। यहाँ से स्थानीय बोली में आवश्यक जानकारियों सहित कार्यक्रमों का प्रमुख स्रोत बैतूल आकाशवाणी केंद्र ही है। जैसे ही आकाशवाणी बैतूल को रिले केंद्र बनाने का मामला सामने आया, यहाँ के जागरूक कर्मियों ने स्थानीय विधायक से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कार्यक्रम अधिकारी विवस्वान आर्य और अभियांत्रिकी प्रमुख से किए तीखे सवाल। कहा, कोई अधिकारी अवकाश पर चले जाने से क्या आकाशवाणी बंद हो जाएगी? इस दौरान उन्होंने आकाशवाणी के भोपाल स्थित अधिकारियों से भी फोन पर चर्चा की। आकाशवाणी के कर्मचारी और यहाँ पे जो हमारे बैतूल के स्थानीय हमारे कलाकार यहाँ पे सेवाएं देते हैं, उनका कहना था 19 दिन के लिए यहाँ जो आर्य साहब हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं, और किसी को चार्ज अगर मिल जाए तो हमारा जो स्थानीय कार्यक्रम है वो कंटिन्यू रहे। तो 19 दिन के लिए इसे रिले सेंटर में बदल रहे हैं, जिसका सब विरोध कर रहे हैं। मैंने अभी ADG से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, फ़ोन नहीं हो पाया। मैं उनका मेल ID भी ले रहा हूँ, बात भी कर लेंगे कि अगर 19 दिन के लिए जा रहे हैं तो कोई ना कोई को चार्ज दे और बैतूल जो बरसों से यहाँ जो स्थानीय कार्यक्रम चल रहे हैं वो कंटिन्यू। देश में कई आकाशवाणी केंद्र ऐसे भी हैं जहाँ एक भी नियमित उद्घोषक नहीं, प्रसारण चला रहे लोग स्थानीय प्रतिभाएं हैं। आकाशवाणी बैतूल के कार्यक्रम विभाग में 2 नियमित अनाउंसर, 1 कार्यक्रम अधिकारी और 1 ट्रांसमिशन अधिकारी है। जाहिर है, इतने कम लोगों से प्रतिदिन 20 घंटे का प्रसारण नहीं हो सकता। इससे देश के अन्य केंद्रों की तरह यहाँ भी 40 कैजुअल अनाउंसर कंपेयर्स की तैनाती की गई है, जिनके भरोसे प्रतिदिन का प्रसारण संभव हो पाता है। या यूं कहें कि सिर्फ कैजुअल अनाउंसर कंपेयर्स ही यहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के निर्माण और प्रस्तुति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अधिकारी का काम सिर्फ कार्यक्रमों का निर्धारण करना होता है, जो साल में एक बार ही किया जाता है। इसलिए सिर्फ एक अधिकारी के छुट्टी पर जाने से प्रसारण हेतु कार्यक्रमों का निर्माण बंद करना और अन्य केंद्र से कार्यक्रम रिले करने का निर्णय लेना वाकई विचारणीय घटना है। कोई व्यापारी भी अपनी दुकान कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर घर जाता है, लेकिन यहाँ छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी जाते जाते अपने घर के साथ आकाशवाणी स्टूडियो को भी ताला लगाकर जा रहा है। क्या ये प्रसार भारती के प्रबंधन की असफलता है कि सिर्फ एक अधिकारी के छुट्टी पर जाने से केंद्र को दूसरे केंद्र से जोड़ दिया जाएगा? विभाग कोर्ट में कहता है कि 25 से 30 सालों से काम कर रहे कैजुअल कर्मियों को नियमित करने में सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा, जबकि केंद्र सिर्फ कैजुअल अनाउंसर कंपेयर्स के भरोसे ही चल रहा है। सरकार विज्ञापनों में स्किल इंडिया चला रही है, क्या आकाशवाणी को 25 सालों से खुद तैयार किए गए स्किल्ड लोगों पर भरोसा नहीं? स्किल्ड लोगों को त्रिस्तरीय परीक्षा के नाम पर बाहर निकाल रही प्रसार भारती प्रधानमंत्री की नाक के नीचे काम करती है और वे करोड़ों खर्च कर विज्ञापित मन की बात करते हैं। जी हाँ, ये मन की बात एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय को दिया विज्ञापन मात्र है। भारत सरकार के काम और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और योगदान वाले विज्ञापन के दौर में कलाकार और प्रस्तुतकर्ता अविज्ञापित हैं और भांड राजनीति के आगे लाचार भी।